हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैली सिंह और आपका ऑल हिंदी टिप्स चैनल में बेहतरीन स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की रैम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 4GB। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसान है। दोस्तों, पहले तो आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप फ़ोन रूट कैसे करते हैं ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन की रैम क्यों बढ़ानी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपका फ़ोन हैंग वगैरह काफ़ी होता है, तो दोस्तों आपने कैसे अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ाना है और कैसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कैसे 2 से 3 से ज़्यादा ऐप्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खोलकर आराम से चला सकते हैं बिना किसी क्रैशिंग प्रॉब्लम से। तो दोस्तों, अगर आपने गेम्स चलानी है, हाई ग्राफिक गेम्स और लार्ज गेम्स चलानी है जैसे GTA Vice City वगैरह, तो उसी के लिए भी आपको रैम आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हर नई रैम की ज़रूरत होना चाहिए। तो जैसे कि आप एंड्रॉयड अपने कंप्यूटर में भी रैम बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों इसकी वीडियो मैंने लिंक में डाली हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप कंप्यूटर की रैम कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की रैम कैसे बढ़ाएंगे और अपने फ़ोन को करेंगे तेज़। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसान है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए मेरी वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए, हमारा देखते रहिए ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, पहले तो आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए। तो दोस्तों, फ़ोन कैसे रूट करते हैं ये आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं कि फ़ोन कैसे रूट करते हैं, तो आप YouTube से देख सकते हैं और अपना फ़ोन रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और कैसे बढ़ाते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की रैम अप टू 4GB। तो दोस्तों, चलिए पहले तो आपको गूगल प्ले पे जाना है। मैं गूगल प्ले पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है मेमोरी इन्फो स्वैप चेक। तो मैं इसको सर्च करता हूँ। तो दोस्तों, ये मुफ्त की ऐप है, आप इसको मुफ्त में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आ गई मेमोरी इन्फो स्वैप, मेमोरी इन्फो एंड स्वैप फाइल चेक। तो दोस्तों, मैंने इसे ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो आप कर लेना। तो मैं इसे ऐप को ओपन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस ऐप का फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन रोयशॉफ्ट ऐप के कंपैटिबल है या नहीं। तो दोस्तों, आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन रैम इंक्रीज़ करने के कंपैटिबल है या नहीं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो आपके फ़ोन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है मेमोरी की, जैसे कि रैम कितनी है आपकी, SD कार्ड कितना फ्री है, कैचे फ्री कितना, और फ़ोन की मेमोरी कितनी फ्री है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आपको स्टार्ट रैम एक्सपेंडर टेस्ट पे क्लिक करना है। पता करना है कि आपका फ़ोन रैम एक्सपेंड करने के कंपैटिबल है या नहीं। तो दोस्तों, आप अपना SD कार्ड सेलेक्ट कर लें या इंटरनल SD कार्ड सेलेक्ट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इंटरनल SD कार्ड सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, देखिए ये क्रिएटिंग हो रही है स्वैप फाइल। अब पता चलेगा कि मेरा फ़ोन इसके कंपैटिबल है या नहीं। तो दोस्तों, ये थोड़ा टाइम लगाएगी एक्टिवेटिंग एंड टैप फॉर रिजल्ट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये स्वैप फ्री हो गया है। 20 MB का इसने स्वैप फाइल बनाई है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन रैम एक्सपेंड के कंपैटिबल है या नहीं। तो मैं अब टैप फॉर रिजल्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ओह, तो दोस्तों कंग्रेचुलेशन, मेरा डिवाइस जो है वो रोयशॉफ्ट रैम एक्सपेंडर के कंपैटिबल है। तो आप देख सकते हैं, योर डिवाइस इज फुल रोयशॉफ्ट रैम एक्सपेंडर कंपैटिबल। यू कैन नाउ पंप अप योर रैम अप टू 4GB। तो मैं 4GB तक रैम अपनी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम कैसे रैम इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी ऐप का नाम है रैम एक्सपेंडर। ये आपको गूगल प्ले में तो पेड ऐप है, तो अगर आपको इसको मुफ्त में डाउनलोड करना है तो मैंने इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहीं से इसको आसानी से ऐप को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार की जो विंडो है वो खुल आएगी, और ये भी आपको यही इसी तरह बता रहा है कि SD कार्ड कितना फ्री है। तो दोस्तों, हमने कैसे अपनी आप रैम इंक्रीज करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको लिखा हुआ है स्वैप फाइल 500 MB। तो जितनी आपको रैम की ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप अपनी रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहाँ कि मुझे अब रैम की ज़रूरत है 500 MB है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। देखिए वो बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं रैम 1GB तक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जितनी आपको रैम की इंक्रीज़ करनी है उतनी की स्वैप फाइल बना लेनी है। तो दोस्तों, अब आपको स्वैप एक्टिव पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपको ये स्वैप फाइल क्रिएट करनी है, इंटरनल SD कार्ड में करनी है तो इंटरनल SD कार्ड में कर लीजिए, अगर एक्सटर्नल SD कार्ड में करनी है तो एक्सटर्नल SD कार्ड में कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो दोस्तों मैं इंटरनल एसडी कार्ड में करता हूँ, ओके। फिर अगेन आपको स्वैप एक्टिव पर ही क्लिक करना है। तो दोस्तों आपकी ये स्वैप फाइल है जो क्रिएट होने जा रही है। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगाएगी इसकी प्रोसेस होने के लिए। तो इस वक्त ये स्वैप फाइल क्रिएट हो रही है और आपकी रैम इंक्रीज होने जा रही है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रैम इंक्रीज होगी वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंक्लूड नहीं होगी, कि आपको शो नहीं करेगी कि रैम इंक्रीज हुई है। ये वर्चुअल मेमोरी की तरह आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंक्रीज होगी और पूरी की पूरी आपका फ़ोन बूस्ट कर देगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा आपका फ़ोन। हेलो दोस्तों, इस समय ये स्वैप फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, अब आपको क्लोज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इसने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू माय हार्ड वर्क दिस ऐप वर्क ग्रेट ऑन योर डिवाइस, प्लीज स्पेंड 1 मिनट टू रेट दिस ऐप। तो आप इस ऐप को रेट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं नो कर देता हूँ इस समय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी फ्री कितनी हो गई है, 1 GB। मैंने जो अपनी रैम है वो 1 GB इंक्रीज कर लिया है। तो दोस्तों आप टोटल मेमोरी आपको ऊपर बता देगी, टोटल 3 GB मेरे फ़ोन में जो रैम है वो बढ़ चुकी है, 2 GB मेरे फ़ोन की पहले की रैम थी। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की रैम इंक्रीज कर सकते हैं और उसे बूस्ट कर सकते हैं, पूरी तरह परफॉर्मेंस उसकी बढ़ा सकते हैं और हाईली ग्राफिक गेम्स भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में की रैम बढ़ा सकते हैं अपटू 4 GB। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।